ख्रिस्त में प्रिय भाइयों और बहनों, संत मदर टेरेसा ने कहा था, हम सभी महान कार्य नहीं कर सकते, लेकिन हम छोटे कार्यों को महान प्रेम के साथ कर सकते हैं। इसी प्रकार मार्टिन लूथर किंग जूनियर, एक प्रसिद्ध अमेरिकी नागरिक अधिकार नेता थे, उन्होंने कहा था, जीवन का सबसे महत्वपूर्ण और तात्कालिक प्रश्न है, आप दूसरों के लिए क्या कर रहे हैं। ये विचार हमें प्रेम और जिम्मेदारी की याद दिलाते हैं, जो आज के पाठों के मुख्य संदेश हैं। आज के पहले पाठ इफिसियों के नाम संत पौलुस का पत्र अध्याय 3 पद संख्याएं 2-12 तक में संत पौलुस इफिसियों को बताते हैं कि ईश्वर की कृपा से उन्हें यह रहस्य प्रकट हुआ है कि मसीह में अब सभी जातियों के लोग भी ईश्वर की प्रतिज्ञा के उत्तराधिकारी हैं। पौलुस यह स्पष्ट करते हैं कि यह उनकी जिम्मेदारी है कि वे इस सुसमाचार को सबके सामने प्रकट करें, क्योंकि मसीह के माध्यम से सभी विश्वासी ईश्वर तक पहुंच सकते हैं। आज के सुसमाचार लूकस अध्याय 12 पद संख्या 39-48 में यीशु अपने अनुयायियों को तैयार और सतर्क रहने की सलाह देते हैं। वह कहते हैं कि अगर घर का मालिक जानता होता कि चोर कब आएगा तो वह तैयार रहता। इसी तरह हमें भी जीवन में हर समय जागरूक रहना चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि जिस व्यक्ति को अधिक दिया गया है उसे अधिक की अपेक्षा की जाएगी। यह हमें सिखाता है कि हम न केवल अपने जीवन के लिए बल्कि उस उपहारों और आशीर्वादों के लिए जिम्मेदारी के साथ जीवन जीना चाहिए जो हमें ईश्वर ने दिए हैं। आज के पाठ हमें अपनी जिम्मेदारियों पर विचार करने के लिए प्रेरित करते हैं। हमें जो भी उपहार और आशीर्वाद मिले हैं उन्हें ईश्वर और दूसरों की सेवा में लगाने हेतु प्रेरित करते हैं। क्या हम इसके लिए तैयार हैं? क्या हम अपने जीवन में सतर्क और जिम्मेदार हैं? क्या हम ईश्वर द्वारा दी गई उपहार और आशीर्वादों का सही उपयोग कर रहे हैं? आइए हम इस संदेश को अपने दिलों में रखें और अपने जीवन को ईश्वर की सेवा और दूसरों की भलाई के लिए समर्पित करें। हम अपने समय, उपहारों और संसाधनों का उपयोग उसी उद्देश्य के लिए करें जिसके लिए हमें ईश्वर ने सौंपा है। साथियों, आइए हम इस नेक काम को शुरू कर दें। आमीन।